नमस्कार, मैं रविश कुमार। फेसबुक और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ और हिंसक रूप से भड़काऊ बातों का प्रसार हो ही रहा है, यह एक तथ्य है, गप नहीं है। आए दिन आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में भद्दी गालियां, झूठे दावे वाले पोस्ट, एक समुदाय के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें जिससे आप भड़क जाएं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। कई लोगों को पता है जो ऐसे पोस्ट को सही मानते हैं, राय बनाते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। 2020 में इसे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बताने की अब भी ज़रूरत है कि बहुत से लोगों को पता ही ना चल सकेगा कि उनकी सोच झूठ और हिंसक बातों से बदली जा चुकी है। सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म ने एक बड़े तबके में यह बात घुसा दी है कि हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों का नरसंहार नहीं हुआ था, यह एक झूठी घटना है। इतिहास और किताबों से दूर एक पीढ़ी के बड़े तबके में एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर इस तरह के फर्जी वीडियो और पोस्ट पहुंचा दिए जाते हैं। वो अब यकीन भी करने लगे हैं कि यहूदियों का नरसंहार एक झूठ था। आखिर एल्गोरिदम के अपने फॉर्मूले से ऐसे वीडियो और पोस्ट को ऊपर करने वालों का कुछ तो खेल रहा होगा। अगर गार्डियन की पत्रकार ने इस खेल को नहीं पकड़ा होता तो बेरोक टोक जारी रहता। अब भी इसके जारी रहने की खबरें आती रहती हैं। जब नरसंहार की इतनी बड़ी घटना अपने दिमाग और चश्मे की नज़र से गायब की जा सकती है तो फिर झूठ को सच क्यों नहीं साबित किया जा सकता है, खासकर तब जब इसमें गोदी मीडिया का साथ हो। भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ। भारत और दुनिया भर में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक हंगामा हो रहा है। न्यूले परनेल और जेफ हॉर्विट्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषणों को हटाने के मामले में फेसबुक दोहरा रवैया अपनाता है। जब बीजेपी के नेता या समर्थक नफरत या धमकी की बातें करते हैं तो फेसबुक उन्हें नहीं हटाता है। तो क्या सरकार के दबाव में फेसबुक नफरत फैलने देता है? इस तरह की नफरती बातों से किन लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है? उन लोगों को झूठी बातें क्यों बताई जाती हैं? ऐसा क्या है कि सच की जगह उन्हें अफवाहों से लैस किया जाता है, और इस काम से किसे फायदा हो रहा है? यह खेल पहले के कई रिपोर्ट से सामने आ चुके हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। आज आप इस विवाद के बहाने कुछ ऐसे प्रसंगों से गुजर कर देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा काम यह किया है कि फेसबुक से आधिकारिक बयान लिया है कि भारत में फेसबुक की अधिकारी ऐसे पोस्ट को हटाने से मना करती हैं जो बीजेपी के नेताओं और समर्थकों के होते हैं, जिनमें दूसरे समुदाय के प्रति हिंसा या नफरत फैलाई जाती है। फेसबुक इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास हैं, जिनकी टीम का काम है नफरती और भड़काऊ पोस्ट को हटाना, ऐसे पेज को बैन कर देना। मगर अंकी दास ऐसे पोस्ट और पेज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देती हैं। एक ऐसे ही पोस्ट हटाने के मामले में अंकी दास ने कहा कि मोदी की पार्टी और उससे जुड़े लोगों के पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने पर भारत में कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। कमाल की बात है कि फेसबुक के प्रवक्ता ने इसे स्वीकार किया है कि अंकित दास ने ऐसा कहा था, मगर बैन लगाने पर विचार चल रहा है। आपको याद होगा बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का वो बयान, नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे धरने के करीब जाकर उन्होंने कहा था कि पुलिस ये धरना हटाए वरना उनके लोग कुछ करेंगे। उसके कुछ समय बाद दंगा भड़क गया पूर्वी दिल्ली में। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे फेसबुक ने भी नहीं की। इस रिपोर्ट के अनुसार कपिल मिश्रा ने अपना यह बयान, वीडियो बयान फेसबुक पर अपलोड किया था और कई महीनों तक उनके पेज पर रहा। उनके पेज पर इस वीडियो के बाद आवाजाही कई गुना बढ़ गई। जून के महीने में मार्क जकरबर्ग ने अपने टाउन हॉल में इस वीडियो का उदाहरण दिया कि हम ऐसे वीडियो को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि वो करते आ रहे थे। उसके बाद ये वीडियो हटाया जाता है, यानी तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है। अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद, हाल ही में इन्होंने BSNL के कर्मचारियों और अधिकारियों को गद्दार देशद्रोही कह दिया था। अनंत हेगड़े ने अपने पेज पर मुसलमानों के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें लिखी। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लिखा कि मुसलमान कोविड के जरिए देश में कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, याद कीजिए तबलीगी का वो समय। इसी बात के लिए ट्विटर ने अनंत हेगड़े का पेज निलंबित कर दिया, मगर फेसबुक ने कोई कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना से बीजेपी के विधायक हैं टाइगर राजा नवल सिंह।
इनके मुस्लिम विरोधी पोस्ट हटाने और पेज को बैन करने के फैसले को अंकित दास ने रोक दिया। फेसबुक के सिक्योरिटी स्टाफ का मत है कि इसके पेज को बैन कर दिया जाए, यह खतरनाक व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए। यही नहीं, अंकित दास ने अपने ही पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट एक पूर्व पुलिस अधिकारी का है जो खुद को मुसलमान बताते हुए मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखते हैं। कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए मजहब और शरिया से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जबकि अंकित दास का काम है ऐसे नफरती बातों को फैलने से रोकना। अंकित दास की टीम का ही काम है कि देखना कि किस पेज से किसी समुदाय के खिलाफ नफरत तो नहीं फैलाई जा रही है, मगर वो एक पक्ष को छूट देती रहती है। पिछले साल अप्रैल में मतदान से पहले फेसबुक ने ऐलान किया कि कुछ पेज हटाए गए हैं, लेकिन ये बात छिपा ली गई कि बीजेपी से जुड़े वैसे पेज भी हटाए गए हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अंकित दास ने ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि फिर खबर छपती कि बीजेपी से संबंधित कौन कौन से पेज से झूठी खबरें फैल रही हैं। अमेरिका में फेसबुक की नीति को लेकर आए दिन सवाल उठते हैं और बहस होती रहती है। फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं कई देशों में। इन्हीं आरोपों के कारण कई अमरीकी कंपनियों ने तय किया है कि वे अपना विज्ञापन फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर नहीं देंगी।